हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन अकाउंटेंसी जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, और ये वीडियो इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जर्नल। जर्नल सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटेंसी का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन जर्नल, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। और फ्रेंड्स, मैंने अकाउंटेंसी पे बाकी लेक्चर भी डिस्कस किए हैं, बाकी टॉपिक्स पे भी लेक्चर डिस्कस किए हैं, मैथमेटिक्स पे भी, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जर्नल की डेफिनेशन। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल क्या होती है? जर्नल एक बुक होती है ओरिजिनल एंट्रीज की, जिसमें हम तमाम ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर हम सबसे पहले लेन देन का हिसाब लिखते हैं, ओके? और वो किस ऑर्डर में लिखते हैं? वो हम लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मीन्स जिस डेट में ट्रांजेक्शन हुई उसी डेट को हम नोट डाउन करते हैं उसको जर्नल में। सपोज ट्रांजेक्शन हुई है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को ही हम उसको जर्नल के अंदर नोट डाउन करेंगे। 2 जनवरी को होगा तो 2 जनवरी को ही हम उसको जर्नल में नोट डाउन करेंगे। तो इस डेफिनेशन से हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। सबसे पहले जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपको याद रखना है। उसके बाद जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये दो चीजें आपको इस डेफिनेशन से याद रखनी है। उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये मैं आपको कुछ रूल्स डिस्कस करूंगा जो कि क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नाउ 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एक्सपेंसिस अकाउंट। नो फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास एसेट्स इंक्रीज होंगे, ओके, एसेट्स मीन्स बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट जो कि कंपनी के पास होते हैं, जब भी हम उनको इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो एसेट अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है, ओके, मींस माइनस हो जाता है। उसमें जो मनी होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज हम उनको चीज़ें खरीदने में खर्च करते हैं। इसी तरह से जब एसेट्स डिक्रीज हो जाते हैं तो हमारा जो एसेट अकाउंट होता है वो क्रेडिट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एसेट्स को बेचेंगे तो वहां से जो पैसे आएंगे वो हम एसेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज अकाउंट मींस लोन, जब हम लोन्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो लाइबिलिटी अकाउंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, मींस क्रेडिट हो जाएगा उसके अंदर, ओके? इसी तरह से जब हम लाइबिलिटीज को डिक्रीज करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है लाइबिलिटीज का वो डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू मींस इनकम, जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो जो रेवेन्यू अकाउंट होगा वो भी क्रेडिट होगा, उसमें क्रेडिट होगा, ज्यादा पैसे आएंगे। जब इनकम डिक्रीज हो जाएगी, रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारा जो रेवेन्यू अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, ओके? सिमिलरली कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा मींस जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं जब वो इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। इसी तरह से जब कैपिटल डिक्रीज होगा तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो भी डेबिट होगा। नाउ एक्सपेंसेस अकाउंट, जब हम खर्चे इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो एक्सपेंसेस अकाउंट है वो क्या होगा? डेबिट होगा। इसी तरह से जब एक्सपेंसेस को हम कम करेंगे तो हमारा जो एक्सपेंसेस अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, ओके? तो इसको आपको याद रखने का तरीका ये है कि एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंक्रीज करने पे डेबिट हो जाते हैं और डिक्रीज करने पे क्रेडिट होते हैं, ओके? और लाइबिलिटीज अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करने पे क्रेडिट होते हैं और डिक्रीज करने पे डेबिट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जर्नल एंट्री फॉर्मेट। इसका एंट्री फॉर्मेट कैसा होता है? तो सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो डिटेल होती है उसको हम लिखते हैं कि कहां से हमने खरीदा और कहां बेच रहे हैं। उसके बाद फोलियो, फोलियो क्या होता है? फोलियो एक रेफरेंस नंबर होता है जो कि यूज होता है आइडेंटिफाई एंट्रीज, एंट्रीज को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल होता है। कहां पे वो आइडेंटिफाई करता है एंट्रीज को? जर्नल में और लेजर में। लेजर क्या होता है फ्रेंड्स? लेजर सेकंड बुक ऑफ एंट्री होती है, जो एंट्रीज हमने जर्नल में की है उसके बाद उनको हम ट्रांसफर करते हैं
किसमें? लेजर में। ओके, इस ट्रांसफर को कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं? पोस्टिंग। जब हम एंट्रीज जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं उसको हम कहते हैं पोस्टिंग। ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद मैंने यहां पे एग्जांपल ली है, फर्नीचर परचेज फॉर बिजनेस। हमने फर्नीचर को खरीदा बिजनेस के लिए। अब फ्रेंड्स इससे क्या होगा, हमारा जो एसेट अकाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो उनके जो अकाउंट है वो डेबिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्नीचर अकाउंट है, मैंने लिखा है पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस, तो यहां पे मैंने लिखा है फर्नीचर अकाउंट, इसके सामने मैंने लिखा है डीआर। डीआर का मतलब डेबिट, तो ये डेबिट हो जाएगा। ओके, तो मैंने $100,000 डेबिट किया और वो क्रेडिट होंगे किसमें? बैंक अकाउंट में। तो मैंने लिखा है बैंक अकाउंट के सामने क्रेडिट और आगे लिखा है मैंने $10,000। ओके, और डेट मैंने लिखी है 15 अक्टूबर 2019। इसी तरह से मैं सेकेंड एग्जाम्पल ली है, रेंट एंड इंश्योरेंस पेड। हमने रेंट और इंश्योरेंस को पे किया। नाउ जब हमने रेंट को पे किया तो रेंट से डेबिट हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से जब इंश्योरेंस को हम पे करेंगे, दैट इज लाइबिलिटीज को हम पे करेंगे, तो हमारा पास जो डेबिट है वो $400 होगा, यहाँ पे भी डेबिट होगा और क्रेडिट होंगे बैंक अकाउंट में। ओके, तो ये था हमारे पास जर्नल का एंट्री फॉर्मेट। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है कैश सेल। कैश सेल क्या होता है? कैश सेल रेफर्स टू सेल इन विच कस्टमर इज मेकिंग पेमेंट एट अ टाइम ऑफ परचेज। कैश सेल वो सेल होती है जिसमें जो कस्टमर होता है वो क्या करता है, पेमेंट देता है जब चीजें लेते हैं, मींस नकदी। जब हम नकदी खरीदते हैं तो उस केस में हो गई वो कैश सेल। उसके बाद होता है क्रेडिट सेल। इट रेफर्स टू सेल इन विच कस्टमर इज मेकिंग पेमेंट एट अ लेटर डेट। क्रेडिट सेल में क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो उधार लेता है, सिंपली मैं कहूं तो उधार लेता है। उसके बाद एडवांस पेमेंट सेल्स। सेल्स इन विच कस्टमर हैज टू मेक पेमेंट बिफोर सेल। एडवांस पेमेंट सेल वो सेल होती है जिसमें कस्टमर एडवांस में पे करता है। तो ये तीन टर्म्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ जर्नल। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जर्नल मीन्स परचेज जर्नल, समटाइम कॉल्ड परचेज डे बुक, ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज। जो परचेज जर्नल होता है ये सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करता है, मींस जो चीज खरीदी गई है किस पे? उधार पे। फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने जो भी चीजें कंपनी से उधार पे खरीदी हैं उसको कहते हैं क्रेडिट परचेज और उसको मैं नोट डाउन करूंगा परचेज जर्नल में। ओके, उसके बाद आएगा सेल्स जर्नल, रिकॉर्ड्स द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो रेवेन्यू जनरेट होगा सेल्स से, गुड्स और सर्विसेज से, उसको हम लिखेंगे सेल्स जर्नल में। उसके बाद आता है कैश रिसीप्ट जर्नल, रिकॉर्ड ऑल कैश कमिंग इनटू द बिजनेस। जितना भी कैश बिजनेस के अंदर आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश रिसीप्ट जर्नल में। नेक्स्ट हमारे पास है कैश पेमेंट या डिसबर्समेंट जर्नल, रिकॉर्ड ऑल कैश आउटफ्लो। जितना भी कैश आउटफ्लो होता है, जितना भी कैश बाहर जाता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश पेमेंट या डिसबर्समेंट जर्नल में। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न जर्नल, रिकॉर्ड परचेज रिटर्न। इन अदर वर्ड इट इज द जर्नल विच इज यूज टू रिकॉर्ड द गुड्स विच आर रिटर्न टू द सप्लायर। परचेज रिटर्न जर्नल में वो परचेज रिकॉर्ड किया जाता है जो क्या किया जाता है, जो हमने खरीदी है और हम उसको कंपनी को वापस कर रहे हैं, आइदर वो डिफेक्टिव हो या कुछ भी हो या प्राइसेस की वजह से हम उसको वापस कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन जब चीजों को वापस करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न जर्नल में। ओके, उसके बाद आएगा सेल्स रिटर्न जर्नल, गुड सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर। जब कस्टमर एक बिजनेसमैन को गुड्स वापस करता है, ओके, तो उसको हम नोट डाउन करते हैं सेल्स रिटर्न जर्नल में। तो फ्रेंड्स इन दो जर्नल में क्या फर्क है, परचेज रिटर्न जर्नल में एक बिजनेसमैन कंपनी को वापस करता है चीजें और सेल्स रिटर्न जर्नल में क्या है, एक कस्टमर एक बिजनेसमैन को क्या करता है, अपनी चीजें वापस कर देता है। उसके बाद आता है जनरल जर्नल, तो जनरल जर्नल में क्या होती है, रिकॉर्ड की जाती है ऑल द ट्रांजेक्शन। जितने भी हमने ऊपर टाइप्स ऑफ जर्नल पढ़े उनमें जो नहीं रिकॉर्ड की जाती है वो किसमें रिकॉर्ड की जाती है, जनरल जर्नल में। ओके, तो ये थी टाइप्स ऑफ जर्नल। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आते हैं ये।
Now the first question is, the standard format of journal does not include which of the following. जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जर्नल का, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, वो इन में से कौन से कॉलम को इंक्लूड नहीं करता है? एसेट्स कॉलम या डेट कॉलम या डिस्क्रिप्शन कॉलम या अमाउंट कॉलम? तो हम सबसे पहले फॉर्मेट को देखेंगे। ये हमारे पास फॉर्मेट है, देखिए यहाँ पे डेट भी है, उसके बाद डिटेल ऑफ बिजनेस भी है, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट भी है। ओके, तो इस कॉलम में अगर हमने देखा तो वो एसेट कॉलम कहीं पर भी नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज एसेट्स कॉलम। एसेट कॉलम जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल है इसमें इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डेट इज एंटर्ड इनटू द जर्नल। किस ऑर्डर में हम डेट जर्नल में एंटर करते हैं? तो सबसे पहले जो डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था वही यहां पे है। तो फ्रेंड्स, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम किस ऑर्डर में डिस्कस करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड इफ अ कंपनी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। जब एक कंपनी कैश पे बिल्डिंग को खरीदेगी तो किस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, कैपिटल अकाउंट में तो डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज कैपिटल ही हम खरीद रहे हैं। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट में नहीं कर रहे हैं हम। ओके, उसके बाद फिक्स्ड एसेट अकाउंट में भी नहीं होंगे, बिल्डिंग अकाउंट इसमें भी नहीं होंगे, बिकॉज हम बिल्डिंग को खरीद रहे हैं। ओके, तो इसमें भी नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो है कैश अकाउंट, तो डेफिनेटली कैश अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, बिकॉज हम जो है कैश में पे कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है, डिस्काउंट फॉर क्विक रिपेमेंट ऑफ डेट इज नॉर्मली रेफर टू एज। जब एक डिस्काउंट दिया जाता है क्विक रिपेमेंट पे, जल्दी रिपे करना, जो लोन लिया है उसको जब जल्दी रिपे करेंगे उस पे जो डिस्काउंट दिया जाएगा तो वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, वो इंक्लूड होगा कैश डिस्काउंट पे, बिकॉज कैश के ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है, इसीलिए उसको हम रेफर करते हैं कैश डिस्काउंट पे। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। इन में से किस जर्नल में गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर को रिकॉर्ड किया जाता है? जब एक कस्टमर चीजें वापस करता है बिजनेसमैन को तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? उसको हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न जर्नल में। ओके, तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होके, बिकॉज परचेज रिटर्न जर्नल ये वो चीजें रिकॉर्ड करता है जो एक बिजनेसमैन कंपनी को वापस करता है। ओके, और सेल्स रिटर्न जर्नल में क्या होता है, एक कस्टमर क्या करता है, वापस करता है एक बिजनेसमैन को गुड्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉमनली नोन एज। मैंने आपको फॉर्मेट, जब हमने जर्नल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिस्कस किया था वहां पे ही मैंने आपको बोल दिया था कि जब हम जर्नल की एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं लेजर में तो उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको कहते हैं हम पोस्टिंग, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैपिटल अकाउंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अबाउट कैपिटल अकाउंट के बारे में? नो, फर्स्ट ऑप्शन इज क्रेडिट इंक्रीजेस द कैपिटल अकाउंट बैलेंस। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी बतानी है कैपिटल अकाउंट के बारे में। नो, क्रेडिट इंक्रीजेस द कैपिटल अकाउंट बैलेंस। जब हम क्रेडिट करेंगे, मीन्स हम पैसे को डालेंगे अकाउंट में, तो डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन ए इज नॉट। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज फ्रेश कैपिटल इंक्रीजेस द कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो फ्रेश कैपिटल, डेफिनेटली जब फ्रेश कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारे पास आंसर नहीं है। ऑप्शन सी इज नेट इनकम इंक्रीजेस द कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो डेफिनेटली नेट इनकम जब इंक्रीज हो जाएगी तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन डी हमारे पास है, डेबिट इंक्रीजेस द कैपिटल अकाउंट बैलेंस। नाउ
जब डेबिट होगा मींस सब्ट्रैक्ट होगा तो उस केस में कैपिटल अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज होगा। तो डेबिट जो हमारे पास ऑप्शन डी है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज डेबिट डज नॉट इंक्रीज द कैपिटल अकाउंट बैलेंस। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कैपिटल अकाउंट, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इनमें से किसको कंसिडर किया जाता है बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। नाउ फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग साइकिल डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन आकर होती है, ओके? और उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ओके? उसके बाद हम उसको पोस्ट करते हैं लेजर में, लेजर के बाद वो आती है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के बाद आती है इनकम स्टेटमेंट में, और उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। नाउ ट्रायल बैलेंस से पीछे जो है वो लेजर है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेजर इज द बेस फॉर ट्रायल बैलेंस, ओके? सो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट इज नोन एज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ओके? सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।